तो स्वागत है दोस्तों आपका इस सेशन में। हम करेंगे मोटे लोगों की पैंट, जो क्रॉस कटिंग होता है वन साइड से, इस तरह से करेंगे। तो इसका मेजरमेंट है 41.5। आपको बताता हूँ, आपको नज़र आ रही है, पता नहीं। 41.5 मतलब 41.5 हाइट है, 44 कमर है, 47 सीट है और 21 मांडी का लूजिंग है और घुटने का लूजिंग 25 है और 19 बॉटम है। तो इस तरह से कटिंग करेंगे। तो पहले सबसे पहले ये बिना से लाइन मार लेंगे, इस तरह से स्टेप डाल लेंगे इसका। अब इसका सीट 47 है तो इसका चौथा हिस्सा आएगा 11.5। तो अभी इसको 25 चाहिए, तो इससे तो 11 आना चाहिए इसका। तो ये आधा इंच कम, तो हमने गहरा भी लिया है इसका यहाँ से पूरा, तो इसको 11 डाल देंगे यहाँ से। तो मार्किंग इस साइड करेंगे क्योंकि हम क्रॉस कटिंग करेंगे। तो ये 11 यहाँ पे, इसका हाइट है 41.5, तो 1 इंच कम करेंगे तो 40.5 डाल देंगे और 2.5 इंच मार्किंग डाल देंगे नीचे बॉटम का 2.5 इंच। अब 41.5 का आधा यहाँ पर डाल देंगे, 41.5 का आधा होता है 21 पे 21 डाल देंगे, चल जाए। तो इस तरह से ये होगा। हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे हमें कंफर्म करने के लिए। ये 11 हो गया, ये 21 हो गया और ये 40.5 हो गया, और ये 2 इंच का। अब क्या करेंगे, थाई का यहाँ मांडी वाला लूजिंग लेंगे। इसका मांडी वाला लूजिंग है 31, तो में से 1 इंच कम करेंगे, 50% कर लेंगे, 15.5 आ जाएगा। 21 का आधा 15.5, 15.5 में से 1 इंच कम कर लेंगे तो ये आ गया 14.5। ये 14.5 हो गया, 14.5, और इसका सेंटर 7.25, इसका सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पे ये 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ बॉटम पे यहाँ से 1/2 इंच पे छोड़ देंगे और बॉटम इसका 19 है, 19 का आधा 9.5 डाल, ये हो गया 9.5 और ये 4.5 हो गया, 4.5। तो ये 25 अभी घुटना नहीं डालेंगे, पहले इसका मार्क कर लेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे हम यहाँ से। ये मार्क इसको मिलाना है, ये लूजिंग वाला, और ये मार्क बॉटम वाला मार्क बॉटम को मिलाना है। तो हमें यहाँ से करेक्ट लाइन मिल जाएगी इस तरह से। ये चारों मार्क उतार लिया हमने यहाँ से, और इसको प्लेन कर लेते हैं। तो देखिए पहला वाला मार्क यहाँ था, अब ये हमने क्रॉस लाइन लिया इसलिए नीचे चला गया हमने, ये पहला वाला यहाँ पे था। अब ये सारे मार्क कर लेंगे हम लाइन से सीधा, ये यहाँ से हो गया, इसका सेंटर निकाल। इसका सेंटर हो गया यहाँ का सेंटर, तो यहाँ का मेजरमेंट यहाँ पे 6.25 है, तो यहाँ पे भी 6.25 लेंगे। ये 6.25 हो गया। अब इसका कमर 44 है, 44 11 था और 1 इंच सीने के लिए, और प्लेट्स है इसको, प्लेट्स के लिए 2 इंच मार्जिन, मतलब 44+3 इंच चाहिए हमको, कमर का 14 और +3 इंच चाहिए। तो ये बराबर आ गए यहाँ पे, ये हो गया। और यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेंगे 7.25। तो ये पहला प्लेट होगा, ये दूसरा प्लेट होगा, और यहाँ पे 25 घुटना है इसका, 25 का आधा 12.5 होता है, 12.5 का आधा 6.25, तो ये 6.25 सेंटर में लगेगा और ये यहाँ पे 12.5 लगेगा। अब इसको लाइन मार देते हैं यहाँ से थोड़ा क्रॉस लेंगे नीचे, ये लाइन इसको मिला लेते हैं यहाँ पे, ये क्रॉस ले लेते। ये 1/2 इंच इसलिए रखा है कि यहाँ पे क्रॉस आना चाहिए, नहीं तो बॉटम फोल्ड नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा तो बॉटम फोल्ड नहीं कर पाएगा। अब ये क्रॉस पट्टी लेंगे, राउंड पट्टी, ये राउंड पट्टी से ये इसको मिला लेते हैं यहाँ भी इसी तरह, यहाँ पे हो गया। ये लाइन यहाँ, ये
ये काटने वाला लाइन है, मारो ना मारो चल जाए। अब यहाँ से आधा इंच कम कर लेंगे ये इस तरह से, इसको ये उतार थोड़ा नीचे उतार लेंगे, मतलब मोटे लोगों का पैंट सामने से कम बैठता है पीछे से ऊपर जाता है। यहाँ ये राउंड मार लेंगे और इसको काट लेंगे। नीचे बॉटम इसलिए क्रॉस कहा था कि आप फोल्ड करेंगे तो आपको ये बराबर आना चाहिए ऊपर साइड में, यदि ये कम होगा तो बॉटम स्क्रिल गिर जाएगा जब आप हाथ सिलाई करोगे या टीप मार दोगे। इसको फोल्ड कर लेंगे यहाँ से इस तरह से, अब नीचे लाइन से बिछा लेंगे। अब यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाता है एडजस्ट, क्रॉस कटिंग है इसमें एडजस्ट हो जाए। ऐसे सारे लाइन मार लें, ये हुआ इसके आधा इंच थोड़ा नीचे, अब ये लाइन उसको मिल जाएगा, ये लाइन अब ये नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे तो डेढ़ इंच रहेगा, यहाँ पे डेढ़ इंच रहेगा, यहाँ पे भी डेढ़ इंच रहेगा, या पौने दो रखेंगे, पौने दो रखेंगे तो अच्छा है। अब यहाँ ये 14.5 तो आपको करेक्ट मेजरमेंट बता देता हूँ, तो आपको जजमेंट किस तरह लेना है, ये आधा इंच यहाँ पे सिलने का, ये आधा इंच यहाँ पे सिलने का, तो बचा कितना 13.5, 13.5 तो हमको चाहिए 31 लूजी, 31 का तो ये यहाँ पे आधा इंच होगा तो 31 का यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 31 लगाना है आधा इंच मार्किंग पे, तो ये आधा इंच 31.5 पे सीने के लिए आधा इंच, तो ये 31 लग गया, तब हमको 13.5, तो अभी यहाँ पे आधा इंच का कली लगेगा, तो इस तरह से जजमेंट लेंगे तो आपका सही आ जाएगा। तो यहाँ पे 3.5 इंच आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये देखिए ये 3.5 इंच बढ़ जाएगा, तो यहाँ से पूरा टोटल में आधा इंच का कली लगेगा इस तरह से। आपको जनरली यहाँ पे 3-3.5, जब ये 1 इंच कम करेंगे तो यहाँ पे 3.5 इंच बढ़ाना पड़ेगा, जब आधा इंच कम करेंगे तो यहाँ पे 2.75 इंच बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको 2.25 पे लेते, क्यों तो मोटा है, मोटा इसलिए ऊपर बैक ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, मोटे लोगों का बैक ज़्यादा होता है। इसको काट लेते हैं क्योंकि इसका लेवल चाहिए, ये साइड पहले ही काट लेते हैं। कमर का नाप है 44, मतलब 44 से 44, तो ये 11 आ गया, 11 प्लस 3.5 इंच, तो 3.5 इंच और 2 इंच पे मार्क हो जाएगा। अब इसका सीट है 47, तो 11.5 और प्लस 1 इंच, तो ये 12.5 आ गया इस तरह से। तो इसका लाइन पूरा मार लेंगे यहाँ से, ये आधा इंच छोड़ देंगे और ये लाइन इसको मिला देंगे, हो गया। अब यहाँ पे आप 1.5 इंच लो या 1.25 इंच, आप राउंड कितना मारना चाहोगे, यहाँ पे कोई 1.25 इंच लेंगे तो भी लाइन बैठ जाएगा, ये 1.25 इंच पे लाइन लेंगे तो ये लाइन इसको मिल जाएगी, आपका राउंड क्लियर आ जाएगा, और ये आधा इंच का आधा इंच ऊपर के लाइन को मिला लेंगे इस तरह से। ये होगा सीट का मार्क, तो आपको यहाँ पे 3.5 इंच बताया था, 3.5 इंच प्लस आधा इंच मार्किंग, तो इस तरह से ये
यहाँ पे लगेगा, ये लाइन मैच होना चाहिए, ये लाइन ज़्यादातर मैच कीजिए आपका ये लाइन आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे हो गया ये आधा इंच का मार देना और इसको काट कर यहाँ पर इस सेट तो काट दिया हमने, अब इस सेट काट दिया। आपका भी कली आधा इंच का ही बैठा है, अगर आपने सेंटर कटिंग किया होता तो आपको कली दो इंच का बैठ जाता, तो इस तरह से कली भी कम बैठेगा और आपको कपड़ा भी बैठ जाएगा। ये कली इस तरह निकालेंगे, ये आधा इंच सीने के लिए अंदर डाल लेंगे, यहाँ से सिलने का मार्जिन अंदर डाल लेंगे और ये 3.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर लग जाएगा, 3.5 इंच, तो ये फाइनल मार्जिन लग जाएगा। ये हो गया कली अपना, अब इसको बैक में डाल देंगे, ये हो गया फाइनल कट। तो इसका कर मेजरमेंट हो गया, अब ये प्लेट्स कैसे गिराएंगे आप, इसका 2 इंच का प्लेट है तो ये 1 इंच का यहाँ पे और 1 इंच का यहाँ पे प्लेट लगेगा, इसका पॉकेट मार्किंग लगेगा 2 इंच प्लस 6.5 इंच, बड़ा माप है इसलिए पॉकेट बड़ा रहेगा, जनरली 6 इंच होता है, तो यहाँ पे बैक पॉकेट का मार्किंग 4.25 इंच पे लगेगा और साइड से 2.25 पे लगेगा, ये 2.25, और इसका पॉकेट 44 का लगेगा, 5.5 के से ज़्यादा भी चल जाएगा, 5.5 डाल देते हैं जनरली ठीक होता है। ये 2.75 का सेंटर आ गया, अब इसको लाइन मार देते हैं इस तरह से, ये होगा इसका ये होगा बैक, इसके कलर लिख देते हैं कॉटन। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।